इस साल 9 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। इससे ठीक एक दिन पहले 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। हिंदू धर्म की माने तो सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ज्योतिषियों की माने तो इस दौरान सूर्य की किरणें ग्रहण के समय राहु का प्रभाव बढ़ा देती हैं, जिससे हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। जाने सूर्य ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। आइए पहले हम बात करते हैं उन कामों की जो आपको भूलकर भी साल के इस पहले सूर्य ग्रहण पर नहीं करनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य या चंद्रमा किसी भी ग्रहण के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों में माना जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान अन्न खाता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में ही अनाज में तुलसी दल डाल देना चाहिए। तुलसी पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी में माँ लक्ष्मी और पीपल में विष्णु जी का वास होता है। सूर्य ग्रहण में इन पेड़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाएं खास ख्याल रखें, सावधानियां बरतें। सूतक शुरू होने से ग्रहण खत्म होने तक घर से बाहर ना निकले। नुकीली वस्तुओं जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग किसी काम में नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य ना करें। साथ ही ग्रहण के दौरान नाखून काटने और कंघी करने से भी बचें। ये तो हो गए वो काम जो बिल्कुल नहीं करने। बात करते हैं उन कामों की जिनसे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले मंदिर के पट बंद कर दें। ग्रहण के बाद गंगाजल से स्नान और दान करें। भगवान को भी गंगाजल से स्नान कराएं। इसकी समाप्ति पर पूरे घर में गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र जाप से ग्रहण के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं।